सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा, सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब पूछ करे थर थर कांपे आसमान, वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्धर झरे मन से अपार, वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। क्षत्रिय के लिए सौभाग्य दिवस होता है जिस दिन उसके तलवार को तिलक किया जाता है, और हर क्षत्राणी इस दिन की राह देखते देखते अपने ही आंसुओं में डूब जाते। देवी, अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हमारा पुत्र भी होगा। उसकी व्यूह रचना ने शाक्यों को उत्साहित कर दिया। कहाँ है युवराज? वो तो कंठक को लेकर प्रातः काले चले गए महाराज। चले गए? जब उसे ज्ञात था कि आज हम सेना के साथ कूच करेंगे, ऐसे अकेले जाने का अर्थ क्या? आप चिंतित ना हो देव, कदाचित इसमें भी उसकी कोई व्यूह रचना होगी। माता अभी आपकी रक्षा करे। देवता, आज रणभूमि में जाने से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहती। कैसा वचन? रणभूमि में शाक्यों के विजयश्री का संदेश सुनने के साथ साथ मैं एक और शुभ संदेश सुनना चाहती हूँ। और कौन सा शुभ संदेश माँ? युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का संदेश। माँ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिद्धार्थ को कपट से नहीं मारूंगा। परंतु यदि रणभूमि में सिद्धार्थ शत्रुओं से घिर गया तो मैं उसे बचाऊंगा भी नहीं। ये घटना तो तब होगी जब सिद्धार्थ रणभूमि में होगा। मतलब? सुबह से पूरा राजमहल से ढूंढ रहा है, न जाने कहां चला गया। भरा सुधोदन की, 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 भरा स
संसाधन की। युवराज सिद्धार्थ आ गए? अभी तक नहीं भाई महाराज। ये जाने कहां गए? आते ही मुझे सूचित कर दो। जी महाराज। महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। महाराज शुद्धोदन अपनी सेना के साथ कपिलवस्तु से कूच कर चुके हैं, अर्थात शाक्यों का अभिमान उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा। अब कोई भी दीवार हमें शाक्यों पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है। लगता है प्रसन्नजीत ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अनुज, क्या सारे शाक्य राजा अपने सेना समेत आ गए? अधिकांश आ चुके हैं भाई महाराज, और जो बचे हैं वो भी सूर्यास्त तक पहुंच जाएंगे। केवल कोलिया नरेश महाराज दंडपानी की सेना को छोड़कर। राजा दंडपानी? मुझे खेद है महाराज, किंतु रोहिणी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाने से वो पुल टूट गया जिसे पार होके मेरी सेना यहाँ आने वाली थी। किंतु आप चिंता ना कीजिए, सैनिक नया पुल बना रहे हैं, पुल बनते ही वो यहाँ पहुँच जाएंगे। सेना तब पहुंचेगी महाराज जब निकली हो। बादल, शाक्य हमारे अश्व को पकड़ क्यों गए? कदाचित कौशल की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो गए। कदाचित हथियार बनाने के लिए लोहा पिघला रहे हो। महाराज, अभी अभी गुप्तचर से सूचना मिली है कि महाराज शुद्धोदन का ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ युद्ध की घोषणा सुनते ही भाग गया। बहुत समझदार है, इसीलिए समझदारी दिखाते भाग गया, और ये सब ये मरकर हार कर भागेंगे। युवराज सिद्धार्थ की व्यूहरचना के अनुसार कल सुबह हम प्रसन्नजीत को घाटी के छोटे मैदान पर चुनौती देंगे। अपने अपने तैयारियां कर लो और सबको अपना अपना स्थान लेने की सूचना दे दो। युवराज सिद्धार्थ का कोई समाचार? खेद है महाराज, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महाराज, युवराज प्रत्यक्ष रूप से ना सही किंतु परोक्ष रूप से तो हमारे साथी, अर्थात उनकी व्यूह रचना तो हमारे साथी है महाराज। न जाने ये रात कैसे बीतेगी, कौन जाने वहां रंगभूमि में क्या हो रहा होगा। प्रजा, संभालो अपने आप को। अमिता दीदी, सिद्धार्थ को ही ले लो, कोई सूचना नहीं है उसकी अभी तक। अचानक जाने क्या हुआ कि बिना किसी को बताए कहीं चला गया।
महाराज कितना खुश थे उससे। महादेवी, मशिका, युवराज का कोई समाचार? नहीं महादेवी, झूठ मूठ ही कह देती। हाँ महादेवी, किसे हाँ कह दो महादेवी, जो समाचार मैंने सुना है वतन भयभीत कर देने वाला है। समाचार? कैसे समाचार? नशिका बोल। कल रात क्या नशिका? कल रात युवराज ने पहली बार मृत्यु को देखा। चन्ना ने बताया कि कौशल के राजदूत बलदेव की युवराज के सामने उन्हीं की गोद में मृत्यु हो गई और उस घड़ी के बाद से युवराज बस यही कहते रहे कि मैं युद्ध को रोकूंगा, रोकूंगा मैं युद्ध को। यही कहते कहते वहां से चले गए। गया घंटादार, इतने वर्षों का श्रम व्यर्थ हो गया। आप नहीं जानती अमिता जी, युवराज मृत्यु ना देखी, इस भय से दिन रात मरते आए हैं। क्या कुछ नहीं किया उनसे मृत्यु को छुपाने के लिए। हे भगवान, महाराज को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तुम शांत रहोगी मंगला? कुछ नहीं होगा, तुम केवल अपना सामर्थ्य बनाए रखो प्रजा। सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। प्रसाद समझ कर भाभी जी, आपने और माने पर से कुछ नहीं खाया और तूने कुछ खाया? स्वयं भूखी है और मुझे खाने के लिए कह रही है। मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ बोबा।
पर तू भी तो मुझे जानती है। सिद्धार्थ और महाराज का चेहरा देखे बिना मेरे मुंह से अन्न का एक दाना भी नीचे नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि महाराज की रक्षा के लिए मेरी तपस्या में कोई भी कमी आए। महाराज मैं कौशल राज्य का सेनापति बांधुल आपको यह सुझाव देने आया हूं कि आप यज्ञ के अश्व को छोड़ दें, कौशल नरेश का आधिपत्य स्वीकारें और कपिल वस्तु की शांति बनाए रखें, अन्यथा युद्ध करें। हम भी यहां शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया सेनापति बांधु। हम शाक्य भेड़ और बकरियां नहीं है जो दंड की आवाज सुनकर पीछे पीछे चलने लगे। भेड़ और बकरियां हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सेनापति। भेड़ बकरियां तो दूर की बात है, एक चींटी भी कान में घुस जाए तो हाथी को पागल कर सकती है। युद्ध की तैयारी करो सेनापति बांधल। अश्वों में यज्ञ कहीं खुली नाकों का स्वप्न बन कर न रह जाए। क्षत्रियों का युद्ध का अवसर मिला है, हमारे मिट्टी के प्रति प्राण अर्पण करने का अवसर मिला है। ऐसे टूट पड़ो शत्रु पर कि वो देखता रह जाए। उखाड़ फेंको साहस में अंधे प्रसंजीत को, जिसमें हम शाक्यों के स्वाभिमान को ललकारा है। वो मां व्यक्ति वो शाक्य गणतंत्र की चोटी पर। यदि हम यही रहे तो हानि होगी। हमें उन पहाड़ों पर जाकर आक्रमण करना होगा।
राजा दंडपानी, यदि ऐसे ही कौशल सेना गिरती रही तो उनकी पराजय निश्चित है। विद्या पर विश्वास न करो अनुज, वो ऊपर नहीं आ सकते परंतु उनके तीर वर्षा की बूंदों की तरह पड़ रहे हैं। देखो शुद्धोदन, अन्यथा मेरी तलवार तुम्हारा शिरच्छेद करने में विलंब नहीं करेगी। लगता है तुम अपने पिता की बात नहीं मानते प्रसन्न जी। उन्होंने तुम्हें अवश्य कहा होगा किसी का भी सामना करना परंतु शुद्धोदन के सामने मत जाना, और तुमने यही गलती की। सावधान! राजा अमितोदन, महाराज को समझाओ, हमारी सेना कम हो रही है और वो अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। आधिपत्य स्वीकार ले, अन्यथा हम बुरी तरह पराजित हो जाएंगे। कायरों की बोली नहीं बोलता राजा दंडपानी, और पराजय से पहले पराजय नहीं स्वीकारता। तुम्हारे प्राण नहीं हुआ है। इस समय भी तुम्हें मेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा।
आगे सारी समझो कि मेरी तलवार फंस गई अन्यथा अन्यथा क्या कौशल नरेश, केवल मेरे आदेश की आवश्यकता है। ये सारे हाथी कुछ ही पल में तुम्हारी सेना को कुचल देंगे। तुम चारों ओर से गिरे हो, अपने शस्त्र फेंक दो। कुछ देर पहले तुमने कहा था, अब मैं कहता हूं, शरणागति स्वीकार लो अन्यथा। शरणागति स्वीकारने से तो अच्छा है हम लड़कर मरे। बस बंद कीजिए ये रक्तपात, रोक दीजिए अहम की लड़ाई। क्या पाएंगे आप? युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, केवल घृणा बढ़ती है। जानते हैं आप, युद्ध में कभी किसी की विजय नहीं होती, केवल मनुष्यता की हार होती है। युद्ध में विजयी को भी नुकसान ही होता है, वो अपने देश के कई उत्तम मनुष्य को खो देता है, अपनी प्रगति के कई वर्ष खो देता है। क्यों लड़ते हैं हम सब उस धरती के लिए जो कभी आपकी थी नहीं? हम अपने प्राण दे सकते हैं युवराज, अपना स्वाभिमान नहीं दे सकते। तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर आप ही सुझाएं कौशल नरेश, जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस भी न पड़े और ये रक्तपात भी रुक जाए और युद्ध विराम भी बना, जिससे मनुष्य राक्षस होने से बचे। केवल एक पर्याय है मेरे पास, इससे दोनों देशों का सम्मान बना रहेगा। कैसा पर्याय? हम एक प्रस्ताव रखते हैं। कैसा प्रस्ताव? हमारी दोनों सेनाओं का एक योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ, उसकी परीक्षा हो, जो लक्ष्य भेदेगा, विजय उसी की होगी। क्या शास्त्रों को यह बात मान्य है? नहीं, कदापि नहीं। हम युद्ध जीत चुके हैं महाराज। मान्य क्या आत्मघात होगा महाराज? हम जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे। शत्रु का नाम मिटाने का यही एक अवसर है महाराज। प्रस्ताव आपने रखा कौशल है, लक्ष्य हम चुने। मान्य है, कहो क्या होगा लक्ष्य? आपका और मेरा सर। ये मुकुट ही राजा के अहम का प्रतीक होता है।
तो क्यों ना आज हम इसे ही लक्ष्य बनाएं। आपका मुकुट मेरे सर होगा, मेरा आपका, और हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसे भेजेगा। जो लक्ष्य भेजेगा उसी की विजय। मान्य, पर पहला लक्ष्य तुम होगे सिद्धार्थ। तुम मेरा मुकुट पहनोगे। ये क्या मूर्खता, इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। जहां इतने प्राण गए वहां एक और से। यदि मैं युद्ध जीत गया तो बहुतों के प्राण बच जाएंगे। मैंने आपका मुकुट पहन लिया है कौशल नरेश। अब हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसे भेदेगा। परंतु ये लक्ष्य भेदेगा कौन? हमारी सेना में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केवल आप ही हैं ज्येष्ठ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। चाक्यों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। आज तुम कुलदीपक कहलाओगे, अन्यथा कुल घातक।
चाकियों के विजय श्री का संदेश सुनने के साथ साथ एक और शुभ संदेश सुनना चाहता हूँ। युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का कारण चाकियों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। आज तुम कुल दीपक कहलाओगे, अन्यथा कुल खत्म। कौशल नरेश प्रसन्नजीत, अब तुम्हारी बारी। अप्रतिम, आदेश का उल्लंघन क्षमा करें महाराज, मेरा लक्ष्य आपका शीश कभी नहीं हो सकता। आप जो दंड देना चाहे दे दीजिए, पर मैं ये लक्ष्य नहीं भेज सकता महाराज। कोई है कोई योद्धा जो इस मुकुट को अपना लक्ष्य बना सके? राजा कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, परंतु उसकी शक्ति उसकी सेना से होती। मैं पराजित, आप विजेता हैं। रुक जाओ महाराज, यह शत्रु है और शत्रु का सर शीघ्र अति शीघ्र धड़ से अलग कर देना चाहिए। मैंने कहा रुक जाओ। याद है कुछ समय पहले मेरे सर पर तलवार रखकर तुमने क्या कहा था? कि मेरे पैर छूकर प्रणाम कर और अपने प्राणों की इच्छा, यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा सिर छेद कर दूं। परंतु युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय जिसके सर पर है, मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय भी वहीं ले। तो बस क्या चाहते हो तुम?
क्षमा और शांति। अर्थात युद्ध में शांति और शत्रु के लिए क्षमा। हम शाक्य शूरवीरों का सम्मान करना जानते हैं। तुम्हारे पिता मां कौशल एक महान योद्धा, उन्हीं का मान रखते हुए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। महाराज, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। या शत्रु का सर काट दिया जाए या उसे बंदी बना दिया जाए। महाराज, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। यह समय चर्चाओं का नहीं है। अब जो भी चर्चा होगी संघ सभा में होगी। हमारी कुछ शर्तें हैं प्रसन्नजीत। कहिए। युद्ध में हुआ सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी, हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूँ महाराज सुधीर। इस संधि के नाम पर मैं आपसे कुछ भेंट ले सकता हूं राजा प्रसन्नजीत? प्राण और स्वाभिमान के सिवा कुछ भी मांग सकते हैं। वो सारे शस्त्र जो आप अपने साथ लाए, वो शस्त्र जो प्राण देते हैं, अब और प्राण ना ले सकते। क्या करोगे उस शस्त्र? उन्हें पिघला कर सीमाओं पर उनका संदेश लिखूं। युद्ध से युद्ध का अंत नहीं होता, मनुष्यता का अंत होता है। शांति से स्नेह बढ़ता है। तुम सब शाक्यों से अलग हो युवराज। पता नहीं क्यों मन तुम्हें शत्रु मानने से विरोध करता है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।